मॉर्निंग, मैं हूँ टेक्निकल लौंडा और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कैनन LVP 2900 प्रिंटर। ये है देखिए, इसको कैसे इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, ड्राइवर कैसे डालें। अगर आपके पास इसका CD नहीं है या इसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसको डाउनलोड कैसे करें इंटरनेट से, और पूरा प्रॉपरली इसको कनेक्ट करके प्रिंट आउट करके पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्क्रीन की तरफ, एक मिनट, उससे पहले मैं आप लोग को कैनन LVP 2900 के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूँगा आप लोग के लिए। इसके बारे में बता देता हूँ, ये कैनन LVP 2900 प्रिंटर है, ये सिंगल फंक्शन प्रिंटर है, मतलब इसमें फ़ोटो कॉपी, स्कैन, जीरोक्स वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रिंट आउट होगा कंप्यूटर से कनेक्ट करके या मोबाइल से, ठीक है। और इसमें जो कॉटरेज मॉडल लगता है वो 12A कॉटरेज मॉडल है, जो एक बार रिफ़िल करने से, इंक डालने से लगभग 1000-1200 के आसपास प्रिंट देगा अगर A4 साइज पेपर में पूरा आप भर के प्रिंट करते हैं तो। और अगर छोटा छोटा आईडी साइज वगैरह में जैसे आप लोग करते हैं प्रिंट छोटा छोटा साइज में लगभग इतना, तो लगभग 2000-3000 भी आपका प्रिंट निकल सकता है अगर छोटा छोटा मैटर आप लोग प्रिंट करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए और इसका क्या है मामला, बाकी प्रिंटर तो रफ़ एंड टफ़ यूज़ के लिए बहुत बेहतरीन प्रिंटर है ये, कोई भी देखे होंगे ज़्यादातर अधिकतर ऑफिसों में यही लगा रहता है सिंगल फंक्शन वाला प्रिंटर, एक ये और एक HP का 10-20 है ना, तो अच्छा सक्सेसफुल मॉडल प्रिंटर है ये, ज़्यादातर ग्रे कलर में ही आता है ये और लोगों को अच्छा भी लगता है क्योंकि वाइट कलर गंदा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं, इससे आपको केबल वगैरह, इसका USB केबल है उसको आपको कनेक्ट कर लेना है। राइट साइड में देखिए यहाँ पे इसका ये कैबिनेट ढक्कन खुला हुआ है क्योंकि ये प्रिंटर मेरे पास बनने आया था तो मैं इसको बनाया हुआ हूँ। तो देखिए ये इसको भूल जाइए समझिए, पीछे एक सॉकेट मिलेगा आपको जहाँ पे ये केबल लगाना पड़ता है, ठीक है, USB केबल। इसको हम लोग यहाँ पे, इसका सेफ देखिएगा चौड़ा रहता है स्क्वायर शेप में और थोड़ा सा एक तरफ का जो रहता है वो थोड़ा सा राउंड शेप में मुड़ा हुआ रहता है, तो वैसा देख के आप सॉकेट को मैच करके वैसा आप लगा लीजिएगा। सिंपल है, ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं है, जैसे नॉर्मल आप चार्जर वगैरह देख के लगाते हैं वैसी। और एक तरफ जो इसका रहेगा केबल वो USB टाइप का रहेगा, ठीक है। तो इसको CPU के पीछे तरफ जो USB सॉकेट रहता है जिसमें पेन ड्राइव वगैरह आप लोग लगाते वो लगा सकते हो, या फिर सामने जो सॉकेट रहता है USB का वहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको भी सिंपली कनेक्ट करना रहता है, ज़्यादा कुछ इस पर तामझाम नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट कंप्यूटर में हम लोग चलते हैं, और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आगे मैं इंस्टॉल करूँगा तो उसके थ्रू समझ जाइएगा कैसे इंस्टॉल करना है, और अगर नहीं है तो फिर आप लोग डाउनलोड करिए, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करिए, फायरफॉक्स, मोज़िला या ओपेरा मिनी या गूगल क्रोम, जो भी पसंद है आपको। उससे पहले इसमें इंटरनेट कनेक्ट करना होगा, तो मैं वाईफाई कनेक्ट करके रखा हुआ हूँ यहाँ पे अपने फ़ोन से, तो वो कनेक्ट कर लीजिएगा इंटरनेट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे नॉर्मली कैनन LVP 2900 प्रिंटर ड्राइवर। देखिए कैनन LVP 2900 ड्राइवर, अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो 64 बिट लिख दीजिए, यहाँ पे 32 बिट का है तो 32 बिट लिख दीजिए। बिट कहाँ से चेक करेंगे आपका सिस्टम का कौन सा है, दो मिनट में इसको मिनिमाइज़ करके बता देता हूँ। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, आपके कंप्यूटर में देखिए दिस PC लिखा होगा, तो दिस PC में अगर ऐसा शॉर्टकट का ये निशान जो है, देखिए ब्लू कलर में जो एरो दिखा रहा है, ये अगर रहेगा तो आपका वो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है राइट क्लिक करने से नीचे, वो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ओपन होता है, लेकिन ये शॉर्टकट रहेगा तो कुछ ऐसा खुलेगा, तो शॉर्टकट है ये तो नहीं खुल रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे इसको खोल लीजिएगा और यहाँ पे साइड में दिस PC दिखा रहे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा है सिस्टम टाइप कहाँ है, हाँ ये ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो सिस्टम कितना बीट का है, मेरा है 64 बिट का, ठीक है। तो इसको मैं कट करता हूँ, अगर मेरा 32 बिट रहता तो मैं 32 वहाँ पे टाइप करता हूँ गूगल क्रोम में, मेरा है 64 बिट, तो मैं यहाँ पे 64 बिट लिख दूँगा। देखिए जहाँ सर्च कर रहे थे हम लोग सर्च बार में, वहाँ पे ड्राइवर कैनन LVP 2900 प्रिंटर ड्राइवर लिखने के बाद 64 बिट यहाँ पे मैं लिख दूँगा 64 बिट, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद देखिए ये जो स्पीड रहेगा डाउनलोडिंग वगैरह का, या आपका नेट चलेगा जो भी ब्राउजिंग होगा वो आपके इंटरनेट के कनेक्शन के हिसाब से रहेगा, ठीक है स्पीड उसका।
कट के आएगा ना यार। देखिए तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे कैनन LVP 2900 प्रिंटर ड्राइवर 64 बिट, ठीक है। और भी जैसे आप 64 बिट नहीं डाले रहते तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो भी और सर्च करना है आपको वो नीचे ऑलरेडी आ जाता है। तो आपको लग रहा है जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फिर आप लोग उसको सेलेक्ट करिएगा और इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है इसी वेब में जाना है, क्योंकि फर्स्ट वाले में ऑफिशियल वाला ही साइट ओपन होता है अधिकतर। तो यहाँ पे देखिए विंडोज 64 बिट, यहाँ पे कैनन LVP 2900 पूरा दिखा दे रहा है ड्राइवर। यहाँ पे सिंपली डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे हम लोग क्लिक और उसके बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में एक कुछ जादू हुआ है और यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो डाउनलोड भी हो गया। अब इसको डायरेक्ट आप यहीं से ओपन कर सकते हो या यहाँ से ओपन नहीं करना है, तो आपको डाउनलोड फाइल जहाँ पे डाउनलोड होता है, जहाँ पे पाथ आपका सेट है कंप्यूटर का कि कौन से पाथ में डाउनलोड होगा, तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर है। डाउनलोड में यहाँ पे कैनन LVP 2900 फर्स्ट में आ गया, ठीक है। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ इसको, ये अभी ओरिजिनल फाइल नहीं है, मतलब कि इसको डायरेक्ट ओपन करके रन नहीं कर सकते आप। इसको रन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो और कुछ कुछ है उसको डिलीट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। यहाँ पे देखिए कैनन LVP 2900 ही दिखा रहा है, इसको आप दो बार क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। देखिए ये ठीक है, इसके अंदर में हमारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर छुपा हुआ है, तो इसको हम लोग खोलेंगे। और यहाँ पे 64 बिट का था विंडो, तो ये 64 बिट लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पे देखिए सेटअप लिखा हुआ है, सेटअप को हम लोग क्लिक करेंगे तो यस और नो। नॉर्मली जैसे आप लोग मोबाइल में अपना एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हैं बस वही चीज़ है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, बस ऑलरेडी सब सेलेक्टेड रहता है, हमको नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है। यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, एक मैं देख लेता हूँ। सेट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर यहाँ पे पूछ रहे हैं, सेट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर में यहाँ पे आप लोग मार्किंग करेंगे राइट वाला, तो उससे डायरेक्ट प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल होगा और डायरेक्ट वो सेट होगा, हो जाएगा प्रिंटिंग के लिए। फिर नेक्स्ट करेंगे, एक मिनट कुछ एरर आ रहा है मेरे सिस्टम में, स्पेशली द पॉइंटर। यहाँ पे USB सेलेक्ट करना पड़ेगा, USB में सेलेक्ट नहीं था ये, ठीक है। USB यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ, अब इसको नेक्स्ट करके देखते हैं हम लोग। अब ये हो गया नेक्स्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे, यस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। अगर इस बीच आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और एक मैसेज और आता है इसमें, एक मैसेज और आता है इसमें कि प्रिंटर को बंद करके चालू करिए वापस, ऐसा कुछ दिखाता है उसमें स्क्रीन में यहाँ पे, तो हमको वो प्रोसेस करना रहता है, लेकिन अभी आया नहीं। कुछ कुछ सिस्टम में आता है, कुछ कुछ में नहीं आता है, शायद मेरे में पहले से इंस्टॉल था और तो नहीं आया ये, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखिए टेस्ट प्रिंट के लिए यहाँ पे पहले से सेलेक्टेड है, तो फिनिश कर देते हैं। तो ये रीस्टार्ट का था, सॉरी, तो रीस्टार्ट हो रहा है, ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा। फिर आपको कहाँ से चेक करना है प्रिंटर आपका ड्राइवर डला है कि नहीं डला है, वो चीज़ देखिए। आप लोग थोड़ा सा कुछ देर वेट करिएगा बस। हाँ, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहा हूँ। हमको जाना है कंट्रोल पैनल में, ठीक है। कोई सा भी आपका विंडोज़ हो, 10, 11, 7 जो भी रहे, आप स्टार्ट मेनू में जाइएगा, यहाँ पे कोने में। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आप कंट्रोल पैनल देखिए, CON बस मैं टाइप कर दूँगा, तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल लिखा हुआ आ गया। इसको मैं खोलूँगा, खोलने के बाद यहाँ पे हार्डवेयर से रिलेटेड ये कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद डिवाइस एंड प्रिंटर यहाँ पे जाना है। डिवाइस एंड प्रिंटर में जाने के बाद देखिए कैनन LVP 2900 जो प्रिंटर मॉडल है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और राइट का इसमें निशान है, मतलब कि ये सेलेक्टेड है। आप कुछ भी डॉक्यूमेंट कुछ भी प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट ये यहीं से प्रिंट होगा, इसी प्रिंटर से, ठीक है। अगर बाय द वे इस पे राइट का निशान नहीं है, सपोज़ इस पे है, जैसे इसको मैं सेट कर देता हूँ ऐसा, मान लो आपका कैनन LVP 2900 में ऐसा राइट का निशान नहीं है, तो ये जब भी आप प्रिंट करेंगे तो बार बार आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मॉडल। तो हम लोग इसी में, जैसे अपने को इसी को यूज़ करना है कैनन LVP 2900 को, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और सेट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर कर देंगे, ठीक है, कैनन LVP 2900 को। तो देखिए राइट का निशान आ गया इसमें। अब जो भी आप प्रिंट करेंगे डायरेक्टली आपका वो प्रिंटर प्रिंट ले लेगा, ऑटोमेटिक पेपर खींच लेगा,
आपका कार्य हो जाएगा सफल। ठीक है, तो ये था प्रोसेस इंस्टॉलेशन का, सॉफ्टवेयर डालने का, कैसे क्या डालते हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम आएगा आपके सिस्टम में तो फिर आप मुझे कॉल करिएगा या कमेंट्स करिएगा, जैसे भी है। कोशिश करूँगा आपका कार्य सफल करने का। और एक मिनट, और आपको मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ, फिर से वापस हम लोग वही चीज़ खोलेंगे डिवाइस मैनेजर। यहाँ पे टेस्ट प्रिंट करना मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो आपको और कंफर्म हो जाएगा कि प्रिंटर हमारा कनेक्ट हो गया करके। ठीक है, तो जैसे राइट का निशान है इसमें, इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर करेंगे कैनन ELBP 2900। ये देखिए प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गया। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ ओपन होने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट लिखा हुआ है, टेक्स्ट प्रिंट में जाएंगे जैसे, तो देखिए प्रिंटर प्रिंट करने लग गया। प्रिंटर की तरफ देखिए आप लोग, ये देखिए पेपर ले रहा है ये प्रिंटर। देखिए टेक्स्ट प्रिंट बाहर आ चुका है ये। ठीक है, तो विंडो 10 का, 11 का, 7 का अलग अलग टेक्स्ट प्रिंट रहता है। बस पेपर खींचना चाहिए, फिर अपने को समझ आ जाएगा कि प्रिंटर हमारा कनेक्ट हो चुका है। बस, तो फिर ये हो गया आपका काम और मेरा भी काम। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यू बढ़ाए मेरा, क्योंकि पैसा मेरे को वहीं से मिलेगा। ठीक है, इनकम ऑफ सोर्स गरीब यूट्यूबर का सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।